तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जैसे मेरे पास सैमसंग का मोबाइल फोन आया है, ये सैमसंग का J2 कोर, सैमसंग का J2 कोर मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऐसा FRP लॉक लगा है। क्या लगा हुआ है? FRP लॉक। FRP लॉक का मतलब होता है Gmail ID पासवर्ड मांगने लगता है। क्या मांगने लगता है? Gmail ID पासवर्ड मांगने लगता है। जो Gmail ID पासवर्ड मांगने लगता है, Gmail ID पासवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? FRP लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FRP लॉक बोलते हैं। FRP लॉक को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या तरीका है, मैं आज आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सैमसंग का जो भी मोबाइल फोन आते हैं उसमें मोबाइल फोन में FRP लॉक तोड़ने के दो रास्ते होते हैं। एक तो पहला रास्ता क्या होता है कि आप सैमसंग के माध्यम से तोड़ लेंगे, दूसरा उसका चिपसेट के हिसाब से भी टूटता है। अब देखिए ये कैसे पता चलेगा कि सैमसंग के हिसाब से टूटेगा कि चिपसेट के हिसाब से टूटेगा, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। जैसे FRP लगाए, आप इसके बैक में जाइए, अगर आप इसके इमरजेंसी में टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे? *#0*##*#, अगर ये टाइप करने से ये मोड खुल जाता है, इसको बोलते हैं MTP मोड। क्या बोलते हैं? अगर ये वाला मोड खुल रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये सैमसंग के तरीके से टूटेगा। अगर जिसमें ये मोड नहीं खुलता तो आप समझ जाइए वो चिपसेट के हिसाब से टूटेगा। किसके हिसाब से टूटेगा? हमने इस मोबाइल फोन को लिया, ऐसा इंजीनियरिंग मोड खोल दिया, फोन को रखा। इस टूल को हम लोग डोंगल से भी कर सकते हैं, अनलॉक टूल से भी करते हैं। पहले हम लोग डोंगल से करके देखते हैं। इसके लिए जो सैमसंग का सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग ओपन करेंगे, सैमसंग 0.5। उसके बाद आप टूल में जाएंगे, टूल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए इनेबल ADB मोड और 2023। तो हम लोग पहले इनेबल ADB मोड को लेंगे, उसके बाद इस मोबाइल फोन को कनेक्ट कराएंगे। क्या करेंगे? कनेक्ट कराएंगे। जब आप मोबाइल फोन को इससे कनेक्ट करा देंगे तो कनेक्ट कराने के बाद यहां पर आप क्या करेंगे? बाईपास पे क्लिक करेंगे। जैसे बाईपास पे क्लिक करेंगे तो यहां पर सॉफ्टवेयर देखो चलेगा। यहां पर एक अलाउ का ऑप्शन जनरेट होगा। ये देखो अलाउ का ऑप्शन आ गया, देखो जरा। ओके, जैसे अलाउ पे क्लिक कर देंगे आगे लॉक चालू हो जाएगी। फिर नहीं हो पाता फिर दोबारा बाईपास पे क्लिक करिए। केबल हिल जाती है हाथ में पकड़ने से। यहाँ पर हमारी डाटा की ओरिजिनल होनी चाहिए। ये कह रहा है सर्चिंग फोन नॉट फाउंड, मतलब ये फोन को नहीं फाइंड नहीं कर पा रहा है। आप बैक करिए, फिर से एक बार जा करने के बाद *#0*#, फिर से ऑन करिए।
नहीं खुला है, आप इसको दोबारा से एक बार क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर सैमसंग को ओपन करेंगे। टूल में जाएंगे, इनेबल एडीबी मोड लिया, बाईपास पर क्लिक किया, इसमें कोई डाटा केबल दूसरी है, फोन नॉट फाउंड का मतलब होता है हम लोग डिवाइस मैनेजर को ओपन करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा फ़ोन कनेक्ट हो रहा है कि नहीं कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि फ़ोन कनेक्ट होगा तभी आप सॉफ्टवेयर को कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कनेक्ट हुआ, जब लॉक खुल गया। इस तरीके से सैमसंग के मोबाइल फोन को बहुत आसानी के साथ में हम लोग लॉक खोल लेते हैं। अच्छा, इसमें कनेक्टिविटी का क्या प्रॉब्लम था कि जैक लूज नहीं होना चाहिए। अगर आप, हमने डिवाइस मैनेजर में जब देखा कि जब हम नीचे को करते नहीं करते, जब ऊपर को कर रहे थे एक बार पकड़ के छोड़ देता था, तो ऊपर को पकड़ के छोड़ देने के बोले कि मैंने ऊपर टाइट करके पकड़ लिया, तो उसने पकड़ लिया, जब पकड़ लिया तो जब मैंने ओके किया तो उसके बाद ऊपर को टाइट करके पकड़े रहा, उसने कर दिया। कई बार ऐसा होता है जैक का सॉकेट ढीला हो जाता है तो उस कंडीशन पर दिक्कत करता है। तो अब देखिए हमारे कनेक्टिविटी हो गई, जैसे कनेक्टिविटी हो गई तो हमारे मोबाइल फ़ोन का FRP लॉक क्या हो गया, टूट गया। जो जीमेल ID लॉक मांग रहा था वो टूट गया। अच्छा देखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखेंगे पहले फ़ोन नॉट फाउंड बता रहा था, जब सर्चिंग फ़ोन फाउंड लिख के आ गया, फाउंड का मतलब जानते हो, फोन कनेक्ट होगा, मतलब इसने फोन को पकड़ लिया। अब फाउंड का तभी फाउंड होगा जब जैक पकड़ेगा, अगर USB जैक नहीं सही होगा तब भी नहीं फोन पकड़ेगा। ये देखो COM10, सैमसंग COM10 पोर्ट बनाया, सैमसंग J260G मोबाइल फ़ोन था, ये इसका IMEI नंबर है, ये सारी बातें लिख करके आ गई। और फिर रूट FRP लॉक डन, मतलब FRP लॉक ब्रेक कर दिया। और इस तरीके से हम लोग कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में जिसमें कोड काम करता है, स्टार है, 0 स्टार है, उसमें आप FRP लॉक को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। 0.5 सैमसंग मेथड, हाँ सैमसंग 0.5 मेथड से। अगर इससे भी नहीं फूटता तो यहाँ पर जाकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2023 का भी मेथड आता है, इसको भी ले सकते हैं एक बार, तो आपका फ़ोन लॉक खुल गया। जिसमें बीच में होम बटन होती है, तो जिसमें होम बटन होती है उसमें डाउनलोडिंग मोड जाता है, जिसमें डाउनलोडिंग मोड जाता है तो सैमसंग का 5.5.1 वाला जो पुराना वाला है वो काम करता है। हाँ ये उसके लिए जिसमें स्टार है, 0 स्टार है, काम करे। ठीक, लीजिए।